वेलकम है जी स्टूडेंट सारे का। अज जर्मनी स्टडी वीज़ा थोड़े नाल डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। बहुत जल्दी ही जसमीत जी जर्मनी खुद जान लगे ने, स्टूडेंट्स नू मिलनगे, नवी इनपुट भी थोड़े वास्ते लैके आएंगे, नवी ऑपरचुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे। सो जसमीत जी, जर्मनी किन्ने स्टूडेंट जा रहे ने अज की डेट के, जर्मनी किन्ना ईजीली वीज़ा मिल जाता है, तो जर्मनी जाके किदां दी लाइफ है, खास करके नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स किन्ने सैटिस्फाइड ने? सो पहले कहता देखो, जर्मनी जो लास्ट ईयर का जो डाटा से 3.5 लाख बच्चों ने इंडिया तो अपलाई किया, 25-30% उन्होंने इदा एप्लीकेशन मिली है जिन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स यूज हुए थी। सो उदे करके जर्मनी का प्रोसैस थोड़ा जहा औखा हो गया। उन्होंने एकेडेमिक एवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस करती जिदा नाम है APS। सो स्टूडेंट्स जर्मनी नूं असीं देखिए तां वो APS साडे करके यूज़ होया, क्योंकि असी जिहड़ी साडे इंडियन सी उन्हां दीआं जिहड़ीआं एप्लीकेशन सी उन्हां च जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैगे सी। सो जर्मनी दा जिहड़ा प्रोसैस है, APS किवें हुंदा जी, की है ओह वी थोड़ा ब्रीफ। APS दी असीं फीस भरदे हां 18,000 रुपया, एंड एम्बेसी साडे डॉक्यूमेंट्स दी एकेडेमिक एवैल्यूएशन करवाउंदी है, वो चैक करदे हां कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं है। सो जे वो एकेडेमिक एवैल्यूएशन ओके हो जाती है, समझ लो तुहाडा वीज़ा 100% लग ही जाता। और जर्मनी दा जिहड़ा वीज़ा सक्सैस रेट है दैट इज़ अबव 95%। जिन 100 बच्चा अपलाई करता तो 95 बच्चों जर्मनी तो वीज़ा मिलता ही मिलता है। सो स्टूडेंट्स असी इस चीज़ में जो ध्यान दें तो जर्मनी एक अट्रैक्टिव लोकेशन है, क्योंकि पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड है जर्मनी च। एंड इस अलावा जो अभी गल करिए 1.5 साल का 1 बारी वर्क वीज़ा मिलता है, विच इज़ एक्सटेंडेबल अप टू 1 ईयर मोर। सो 2.5 साल का वीज़ा मिलता है आफ्टर स्टडी, सो यू कैन डू 1 ईयर MBA देयर, 2 ईयर MBA देयर, और 3 ईयर्स बैचलर डिग्री देयर। सो लॉट ऑफ ऑप्शनस आर अवेलेबल। सो बच्चे खुश ने जी उत्थे जाके? सो फीडबैक इज़ पॉजिटिव। मैं हर साल जर्मनी जाना अक्टूबर नवंबर च, और इस साल फिर मैं जर्मनी जाने वाला, खास करके बर्लिन जिथे बच्चे सब तो ज़्यादा जाते हैं। एंड फीडबैक जोड़ा है वो पॉजिटिव ही है, बिकॉज मिनिमम वेजिज आर अमंग 13-15 euros, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज यूरो इज़ 92-95। सो वधिया मैनूं लगता कि फीडबैक हैगा, हाले तक बच्चे खुश ही है सारे जर्मनी। सो जसमीत जी, बच्चे बेसिकली किस सोच नाल जाते हैं, पैसा कमान जाते हैं, अपना प्रोफेसनली सैटल होने जाते हैं, या उत्थे सैटलमेंट वास्ते जाते हैं? देखो जो पंजाबी बच्चों की गल करिए सैटलमेंट तो बाद ही सोचते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ दे वॉन्ट टू मेक मनी, वो पैसा ही कमाना चाहते हैं। सो मैनू तो मैं तो सारे बच्चों यही एडवाइस दाँगा कि सारी जिंदगी असी पैसा कमाना, जो जो पढ़ाई का समय हैगा उस टाइम से असी चंगी तरह पढ़ाई कर लेंगे तो ज़्यादा सारे पैसे कमावे। बट साड़ी पुठी सोच है, असं कहने कि पहला पैसे कमा लिए पढ़ाई बाद कर लेंगे, पर सैटल किदा होवोगे जे तुसीं पढ़ाई नहीं करोगे सही तरीके ना, तो फिर सैटल किदा होवोगे? पढ़ाई ही तुहानू जरिया बनेगी अच्छी नौकरी का, और उस तो बाद सैटलमेंट PR पढ़ाई के बेस पर ही मिलेगी। सो स्टूडेंट्स मेरी यही एडवाइस है कि काम आपां उन्ना करिए, आई नो इट इज़ वेरी वेरी नसैसिटी, क्योंकि वो उसके बेस पर ही सानू पार्ट टाइम जॉब असी अपने खर्चे कढ़ने हैं, बट आपां उन्ना काम करिए जिहदे नाल साडी पढ़ाई का खजाना ना हो, चाहे वह कड़ा भी कंट्री है, जर्मनी है, कैनेडा है, USA है। सो सारे कंट्रीज आपां उन्ना क काम करिए जिहदे नाल पढ़ाई का खजाना ना हो। सो मेरे लास्ट 2 सवाल है जसमीत जी, जर्मनी जो तो स्टूडेंट जाता है, सो उन्होंने इनकम कितनी हो जाती है, तो टोटल खर्चा वह कितना आता है? सी खर्चे की गल करिए 9 लाख रुपए तो लैके 12 लाख के ट्यूशन फीस हैगी है, पर जे तुहाडे 90% तो उत्ते हैं तो फीस 6 लाख भी रह सकती है फॉर अंडर ग्रैजुएट। एंड पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सिज़ से 33% स्कॉलरशिप दी जा रही है कॉलेजेस वालों। एंड जे असीं टोटल खर्चे की गल करिए 18-20 लाख रुपया वेरी सिमिलर टू कैनेडा, बट वो 11 लाख रुपया रिफंडेबल है, क्योंकि जर्मनी जिहड़ा अमाउंट है फॉर ब्लॉक्ड अकाउंट, जिवें कैनेडा GIC हैगा वो 11 लाख रुपया, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट कि स्टूडेंट्स कल उत्थे आके कहन, क्योंकि यूरोप है तो लिविंग कॉस्ट हाई है। सो स्टूडेंट्स उत्थे जिहड़ा ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा वो 11 लाख रुपया, एंड 11 लाख रुपया रिफंडेबल हैगा, और फीस कैन बी 6 लैक्स-12 लैक्स जे तुहाडी प्रोफाइल के हिसाब नाल, सो डिपेंड करेगा। सो एक्सपेंसिज इन्ना ही है। जे कमाई की असी गल करिए बच्चा महीने के 1000-1500 euros कमा सकता है, जिहड़े कि 1-1.5 लाख रुपया, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट कि सिर्फ आप सर्वाइव करना जो जर्मनी तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। सो स्टूडेंट्स जर्मनी लैके होर कोई भी इन्फॉर्मेशन तुसी चाहते हो, लैंडमार्क की टीम कॉल कर सकते हो, मिल सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।